बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम आ जाते हैं डे 25 के इन जादुई प्रैक्टिस पर। और गिने चुने हमारे कितने तीन और प्रैक्टिसेस बचे हुए हैं। और आज का जो प्रैक्टिस है वो है 25 डे, और इसमें हम मैजिक को जो है ना पूरे दिन में ग्रैटिट्यूड रहने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सभी को पता है, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ डे वन से स्टार्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कीजिए। और अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जो चीज़ है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रैक्टिस में, जादुई प्रैक्टिस में, हम पूरे दिन में कौन से अच्छी चीज़ें हो रही है उसको हम लोग जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम बहुत दूसरों का देखकर सोचते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो आज की जो प्रैक्टिस है ये हम दूसरों का देखकर ही करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है। वन बाय वन आप एक एक पॉजिटिविटी को आज आप कलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके पहले हमने मनी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर लिया है, हमने अच्छे रिजल्ट्स आए उसके लिए प्रैक्टिस किया है, दूसरों के लिए हमने प्रैक्टिस किया है। और जैसे हम दूसरों का चेक करते हैं कि ये उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है, उसके लिए भी हम आज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, भले वो चीज़ आपके पास है या वो चीज़ आपके पास नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया है? जैसे कि अगर आपका एक डिज़ायर्ड वेट है या एक बॉडी शेप है जो आप मैनिफेस्ट करें या वो आप चाहिए आपको, ठीक है, तो और सामने से किसी और को आपने देख लिया है, सेम वेट, सेम बॉडी साइज, बॉडी शेप आपने देखा है, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू क्योंकि ये मेरे पास आ चुकी है। इस तरीके से आप जो है दूसरों का देखकर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ना ही कि जेलसी अपने अंदर रखेंगे कि यार मेरे को जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया, है ना। हम क्या करेंगे, सामने वाले का देखकर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे पास है। अब करना क्या है, जैसे कि सभी को पता है हम लोग डेली सुबह उठकर क्या लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल। दिन में आपके पास जो भी चीज़ें हैं आज तक आपको मिली हुई है, 10 चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। और सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं सबसे पहले मेरे वीडियोस देखिएगा ताकि आपको आज का टास्क पता चले। अब एक दिन का मैं समय देती हूँ आपको, सपोज़ करें अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो कल का दिन आपको समय दे रही हूँ, परसों तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरे वीडियोस आ रहे हैं प्रैक्टिस को लेके, ताकि किसी का भी ये चीज़ मिस ना हो। लेकिन फिर भी जो लोग लेटली जुड़ रहे हैं या जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं वापस से बोलूँगी कि आप डे वन से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट इस वीडियो पर प्रैक्टिस नहीं करना। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको रिजल्ट शायद तक मिलेंगे, लेकिन पूरा जो अच्छे बोलते हैं ना, पूरा मीठा फल जो अगर आपको चाहिए तो आपको डे वन से प्रैक्टिस करना होगा। अब जैसे कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया है, ग्रैटिट्यूड जर्नल के बाद आज का पूरा दिन में आपको जो भी अच्छी चीज़ें दिख रहे हैं उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। एटलीस्ट टारगेट रखो 7 चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे। अब है कौन से वो 7 चीज़ें होंगे क्या, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाई देता है, एम्बुलेंस का आवाज़, अब ये क्या है कि हम लोग हेल्दी है, ये शो करता है कि वो दूसरे हैं जो एम्बुलेंस में हैं और आप घर पे हैं, स्वस्थ है, हेल्दी है, आपके परिवार वाले हेल्दी है, तो आपको सेम ये बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं और मेरे पूरे परिवार अभी हेल्दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पुलिस देख लिया तो आपको यूनिवर्स को ये बोला है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं सिक्योरिटी में हूँ, मुझे कम्प्लीटली प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको ATM नज़र आ रहा है तो आपको उसके लिए थैंक यू होना है, मनी के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बैंक अकाउंट में मनी है, उसके लिए थैंक यू सो मच।
अब जैसे मनी हो गया, एम्बुलेंस हो गया, ठीक है, हेल्थ के लिए हो गया, सिक्योरिटी के लिए हो गया, वैसे किसी के बॉडी वेट जैसे मैंने बताया उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी परफेक्ट बॉडी है, मेरी परफेक्ट बॉडी शेप है। हेयर ग्रोथ, बहुत जन लोग हेयर ग्रोथ चाहते हैं लेकिन उनको अभी क्या करना है, अगर जैसे आपको हेयर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कर्ली हो, स्ट्रेट हो, देखो जिनको कर्ली हेयर्स है वो लोग स्ट्रेट हेयर्स चाहते हैं और जिनके स्ट्रेट हेयर्स हैं वो लोग कर्ली हेयर्स चाहते हैं। अपने पास जो है वो किसी को नहीं अच्छा लगता, है ना, दूसरों का देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जैसा बाल चाहिए, आपको जैसे हेयर्स चाहिए, वैसे किसी पर्सन को आपने देख लिया है उनके पास है वैसा हेयर वॉल्यूम, हेयर ग्रोथ वैसा है, तो आप उनके हेयर के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत से चीज़ हो जाती है, ऐसे मिनिमम 7 चीज़ें आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास घर है तो आप एक छत के नीचे हैं, ठीक है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको आज अवेयर रहना है और पूरे दिन में जो भी चीज़ आपको सराउंडिंग में नज़र आ रही है आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लास्टली जो हमने ये 7 ग्रैटिट्यूड पूरे दिन के इवेंट्स को हमने 7 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, लास्ट में सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने डे 2 की प्रैक्टिस देखी होगी तो आपको पता होगा ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। अपने ग्रैटिट्यूड स्टोन को अपने हाथों में फीस्ट बना के मुट्ठी में रखना है और पूरे दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचना है, रिकॉल करना है सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में, फिर उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इससे होगा ये, अगर दिन में कुछ भी गलत हुआ है आप उसका छोड़ के स्ट्रेस फ्री होके रात को सोएंगे। तो जैसे इसी तरीके से सुबह उठते ही हम ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा दिन अच्छा जाए, और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस करेंगे ताकि पूरे दिन में जो भी नेगेटिव है उसको नहीं याद करके हम पॉजिटिव को याद करेंगे और सुकून से स्ट्रेस फ्री होकर सो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपने प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कीजिएगा, जादुई प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा आपके रिव्यूज़। और मैं सोच रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि अभी हमारी ईयर एंडिंग हो रही है, राइट, तो नया साल के क्या क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए हमारे, क्या क्या हम नए साल की तैयारी करेंगे, लिस्ट बनाएंगे हमको क्या चाहिए, उन चीज़ों को लेके मैं एक लाइव सेशन रखूँ, लाइक YouTube पर ही लाइव सेशन रखूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 28 दिसंबर या 29 दिसंबर को आफ्टरनून के टाइम पर मैं ये लाइव सेशन को कंडक्ट करने वाली हूँ, YouTube लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ। तो साथ ही साथ आपके जो भी क्वेरीज वगैरह रहेंगे आप जो है कमेंट में लिख कर रख सकते हैं ताकि उन टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूं। और आपके पास फिर 2-3 दिन का समय होगा जब आप प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करेंगे, 31 दिसंबर तक आपको ये प्रैक्टिसेस करने होंगे, क्योंकि 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर देंगे हमारे डिज़ायर्स के ऊपर मैनिफेस्टेशन। इसके साथ अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली होती है 4:30 बजे, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। एंड न्यू ईयर से मैं एक स्पेशल डिस्काउंटेड कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, एक कम्प्लीट प्रोफेशनल पैकेज है ये, जिसमें 10 कोर्सेज आप सीखेंगे, हीलिंग कोर्सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, बहुत सारे कोर्सेज इसमें आप सीखेंगे, और इसका जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ में मैं ये कोर्स ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स है वो आएगा। प्रिट स्टूडेंट्स के लिए 10 कोर्सेज एट 10,000 रुपीज़ ओनली। अब ये कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर का है, तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे दिए गए नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।